बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फले सुखदाचन, यानी कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। लेकिन बीते कुछ दिनों से 28 वर्षीय संजू सैमसन को BCCI पिछले कुछ समय से लगातार नज़रअंदाज कर रही है। जी हाँ, संजू सैमसन की बात की जाए तो संजू सैमसन विस्फोटक बल्लेबाज, बेहतरीन विकेटकीपर होने के अलावा फील्डिंग में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। संजू सैमसन ने भारत के लिए 13 वनडे मैचों में 390 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। संजू सैमसन ने 17 T20 मैचों में 301 रन बनाए हैं। वहीं अगर बात की जाए सूर्य कुमार यादव की, तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि आखिर सूर्य कुमार यादव को कब तक मौका मिलता रहेगा। जबकि सूर्य कुमार यादव के आंकड़े संजू सैमसन के आगे वनडे फॉर्म में उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि संजू सैमसन के हैं। जहां संजू सैमसन ने अभी तक 13 वनडे मैचों में 390 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं, वहीं संजू का उच्चतम स्कोर की बात की जाए तो 86 रन है। वहीं सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो सूर्या के बल्ले से अभी तक 27 वनडे के 25 पारियों में 537 रन हैं। इस दौरान सूर्या के बल्ले से कुल 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका उच्चतम 64 है। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर से मोहाली में होगा। सोमवार को BCCI ने इस घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया। सैमसन को मौका ना मिलने से फैंस में काफ़ी नाराज दिखे। अब वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज का भी रिएक्शन सामने आया है। दरअसल सीरीज से पहले 2 मैचों में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत टीम के कुछ और प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ एशियन गेम्स में भी चुने गए हैं और इस सीरीज के स्क्वाड में भी संजू सैमसन को नज़रअंदाज किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका ना मिलने से सैमसन भी निराश हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे जाहिर भी किया। 28 वर्षीय सैमसन ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह शॉट खेलते नजर आए। पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, जो है सो है, मैं आगे बढ़ता रहना चाहता हूँ। सैमसन के इस पोस्ट पर फैंस की ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक फैन ने कमेंट में लिखा, चिंता करने से मदद नहीं मिलेगी, अपनी प्रेरणा ऊंची रखें और कड़ी मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। गौरतलब है कि संजू सैमसन को एशिया कप में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर पिछली बार स्क्वाड में शामिल किया गया था। हालांकि KL राहुल के पूरी तरह से फिटनेस हासिल करने के बाद सैमसन को टीम से रिलीज कर दिया गया था और वह भारत वापस लौट आए थे। फैंस के साथ सैमसन को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनको दोबारा टीम में वापसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब जरा गौर से सोचिएगा कि KL राहुल की किस्मत कितनी अच्छी है, वहीं अगर बात की जाए संजू सैमसन कितनी अच्छी है। संजू सैमसन को बतौर स्टैंड बाई प्लेयर के रूप में रखा जाता है एशिया कप में। राहुल जो लगभग 6 महीने से इंजरी के कारण टीम से बाहर थे, उनको मौका मिलता है श्रेयस अय्यर की जगह और टीम में वो खेलते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तो वहीं से संजू सैमसन को रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि अगर आपके पास इतना प्रतिभावान खिलाड़ी है जो 3-3 अर्धशतक लगा चुका है और वो जो 51 रन उन्होंने बनाए, मतलब जो उनकी तीसरी हाफ सेंचुरी आई वनडे में, अपने लास्ट ODI बनाए थे उन्होंने, मतलब अगर आप करंट फॉर्म देखें तो संजू सैमसन का कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या करें भैया, जिस तरीके से जिसकी किस्मत होती है उसको उतना ही मिलता है। फिलहाल खेल के अड्डा में बस इतना ही। धन्यवाद।